तरीके से इस बीमारी से जो है बचा जा सकता है, इस बीमारी से बचा जा सकता है वो इस तरह से कि आप अपने खाने में जो आप फूड लेते हैं डेली बेसिस पर, उसमें आप फैट्स का अमाउंट जो है वो कम रखें। ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल या चिकने खाने जो है, या ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स हो, बहुत ज़्यादा चिकनाई मौजूद हो, वो खाने आप ना खाएं, तो इस बीमारी से जो है बचा जा सकता है। देन सेकेंड जो डिजीज़ है वो है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है, ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ही कहलाती है। ये आर्टरी से रिलेटेड डिजीज़ होती है। देखिए, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो खून की नालियाँ रखते हैं। उनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, उनमें कैपिलरीज भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं और वेंस भी होती है। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आर्टरी में जो है वो कॉज होती है, यानी जो आपका हमारा हार्ट होता है उसमें जो आर्टरीज मौजूद होती हैं उसमें इलास्टिकिसिटी जो होती है, यानी कि उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें एक खिंचाव होता है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इलास्टिक का मतलब होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो उसमें फैलने और सिकुड़ने का जो प्रोसेस होता है आर्टरीज में, उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब इसकी भी कोई ना कोई रीज़न होती है। इसका जो रीज़न ज़्यादातर होता है वो कोई पैथोजेनिक प्रोसेस हुई, कोई पैथोजेनिक, अगर आपकी बॉडी में कोई जरासीम है वो अगर वो आपकी जो है वो अगर आर्टरीज में एंटर हो जाता है या खून का किसी बीमारी की सूरत में, तो उस वक्त ये बीमारी जो है वो कॉज होती है, यानी आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें आर्टरीज में अगर कोई पैथोजन एंटर हो जाए, कोई ऐसा जरासूमा एंटर हो जाए जिसकी वजह से जो है ब्लड का फ्लो सही तरीके से, या ब्लड का प्रेशर सही तरीके से ना हो रहा हो, या ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाए, तो ये बीमारी जो है वो कॉज होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर इसको डायग्नोज किया जाता है। अगर कोई ऐसी बीमारी या आर्टरियोस्क्लेरोसिस जैसा कोई कार्डियोवैस्कुलर हो रहा है हार्ट में, तो फिर आप उसको डॉक्टर से जो है वो पर्सन डायग्नोज करेगा। दैन फिर उससे रिलेटेड कुछ उन्हें सप्लीमेंट या मेडिसिन दी जाएगी, तो इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन होता है ये भी एक डिसऑर्डर ही है। अब इसके जो कॉजेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब ये किस वजह से जो है वो होता है, उसके कुछ फैक्टर्स दिए हैं, इनको डिवाइड किया गया है कुछ फैक्टर्स में। एक नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं और दूसरा जो है वो मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं। अब नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स के अंदर जो है कुछ एज और फैमिली हिस्ट्री और जो जेंडर होता है, यानी सेक्स जो होता है, जो मेल और फीमेल, ये सब जो है वो देखा जाता है कि ये जो मायोकार्डियल डिजीज होती है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ये किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होता है। अगर सेक्स की बात की जाए या जेंडर की बात की जाए, तो मेल्स में जो है मायोकार्डियल डिजीज जो है वो ज़्यादा होता है। ये हार्ट से रिलेटेड, जिसमें हार्ट अटैक जैसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेसिकली सडन किसी वजह से सडन अगर हार्ट अटैक हो जाता है या अटैक आता है, आपने सुना होगा, उसको जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में शुमार किया जाता है। तो ज़्यादातर इनमें जो लोगों को शुमार किया जाता है वो ज़्यादा मेल्स होते हैं, यानी मर्द हजरात में ये ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर मर्दों में ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ये ओवर एज में होता है, यानी ओल्ड एज में। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखा जाता है नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर में कि फैमिली, अगर ऐसा शख्स जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है, क्योंकि ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये बाय जेनेटिक भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कि अगर आपके किसी एंसेस्टर में ये कोई बीमारी ऐसी थी या मायोकार्डियल डिजीज़ जैसी, तो हो सकता है कि उससे ट्रांसफ़र हुई है आपकी बॉडी में।